व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सिक्स क्लास. सो तब से मैंने मार्शल आर्ट में अपने आप को मतलब पार्टिसिपेट कराया. आई एम 11 टाइम्स नेशनल प्लेयर, ऑल्सो 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट. इस बार मैं गई, वो मेरा सेकंड टाइम था इंटरनेशनल का, तो वो मैं अबू धाबी में खेल के आई हूँ इस बार, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया. बेसिकली मैं पहले अपनी जर्नी का आपको बोलूंगी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सिक्स क्लास. सो तब से मैंने मार्शल आर्ट में अपने आप को मतलब पार्टिसिपेट कराया हर एक इवेंट में, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो नेशनल हो. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 11 टाइम्स नेशनल प्लेयर, ऑल्सो 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट. सो उसके बाद मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ भी रही, लेकिन बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया. मैंने पिछली बार ही मैं थाईलैंड में खेल के आई हूँ इंटरनेशनल, और जो इस बार मैं गई वो मेरा सेकंड टाइम था इंटरनेशनल का, तो वो मैं अबू धाबी में खेल के आई हूँ इस बार, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया. मैंने काफ़ी चैलेंज मतलब फेस की अपनी लाइफ में, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया. मैं एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से मतलब छोड़ती थी. मैं सोचती थी यार लाइफ मेरी खुद की बनानी है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है. अगर मैं लोगों की बातें सुनूंगी तो शायद मैं अपने जो गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाऊंगी. सो मतलब ये मैं बोलूंगी कि अगर उस टाइम मैंने मतलब लोगों की बातें सुनी होती, शायद आज मैं इंडिया के लिए मतलब सिल्वर नहीं ला पाती. अपने जो गोल थे उस स्टेज पे मतलब पूछना, उस स्टेज पे अपने आपको रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल स्टेज पे, वो मेरा ड्रीम था, सबसे बड़ा ड्रीम जो मुझे उस आज पूरा हो गया. सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मतलब शुक्र उस अल्लाह का कि मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया, तो आज ये मेरी ड्रीम से फुलफिल हो गई. आज सबको अपने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल निकाला, तो हम फख्र करते हैं. हमारी मतलब फैमिली भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है. और जैसे सबकत निकली इंटरनेशनल है, और भी यहाँ हमारी एकेडमी के लड़की है, वो भी इंशाल्लाह रहमान इंटरनेशनल में निकलेंगे. कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी है हमें. हमारी जो टीम है, दाने बाने मेरे बाजू है, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है.